उनके बदौलत सरकार चलती है और कुछ नए लोग भी आए हैं। शिवसेना में जो हमारे खाते में जो लोग आए उसमें से कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। आदित्य ठाकरे का भी, आदित्य ठाकरे आज वो शपथ लेंगे मंत्री पद की, और एक दो लोग नए हैं, मुख्यमंत्री भी वैसे नए हैं सरकार में। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अनुभवी एनसीपी के लोग हैं मैं देख रहा हूँ। कांग्रेस में अनुभवी लोग हैं, अशोक चव्हाण जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बाला साहेब थोरात भी जो है अनुभवी है। तो कुल मिलाकर एक सरकार का चेहरा है, एक एक्टिव अनुभवी सरकार बन गई है। अब सर इस कैबिनेट को देखे कैसा लग रहा है, कितना सफल रहेगी, कितनी दमदार ये कैबिनेट है? कैबिनेट दमदार है, सफल भी रहेगी। तीन पार्टी की सरकार चलाना एक कसरत होती है, एक सर्कस है। लेकिन हमारे रिंग मास्टर भी है जो मुख्यमंत्री बने हैं उद्धव जी, वो है शरद पवार साहब का मार्गदर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज़्यादा अनुभवी है इस प्रकार की सरकार बनाने में चलाने में। तो शरद पवार साहब का मार्गदर्शन जो रहेगा वो सरकार चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पहली बार ठाकरे परिवार से कोई चुनाव लड़ता है, बहुत बड़े मतों से जीत कर आता है, और आज आदित्य ठाकरे मंत्री भी बनने जा रहे हैं। जी हाँ, मंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन उसके पिताजी भी मुख्यमंत्री बन गए ना पहली बार। यस यस, ये सब कुछ महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है, उससे पहले क्या हुआ भूल जाइए। अब उद्धव जी के नेतृत्व वाली सरकार जो है महाराष्ट्र में 5 साल तक चलेगी। सर अजीत पवार के नाम पे काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन में ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से उनको अब डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया जा सकता है। देखिए अजीत पवार जी को कौन सी पोस्ट देना है या नहीं देना है उसका निर्णय उनकी पार्टी करेगी, उनका निर्णय उद्धव ठाकरे साहब शरद पवार साहब करेंगे। अगर पवार साहब ने एक निर्णय लिया है उनको मंत्री बनाने का या डिप्यूटी सीएम करने का, तो पवार साहब से ज़्यादा अनुभवी ना महाराष्ट्र में कोई है ना देश में है। बात रही विरोध का, अभी अजीत पवार तो आपके साथ आए थे 2 दिन के लिए, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? यही अजीत पवार थे ना, नए तो नहीं है, तो छोड़ दीजिए बातें। सर जैसा कि आपने कहा कि तीनों पार्टियां एक साथ चले वो बहुत बड़ी बात है, तीन अलग अलग जो अलग विचारधारा है, कुछ नाराजगी है कुछ कैबिनेट एक्सपांशन को लेकर, कुछ लोगों को नहीं मिल रही है? नाराज तो लोग थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन समझना चाहिए ये सरकार तीन पार्टी की है, तो हर पार्टी को एक कोटा मिला है। जैसे शिवसेना को 15 मंत्री पद है, एनसीपी को 16 है, कांग्रेस को 12 है, तो उसमें हमको सबको एडजस्ट करना है। अब शिवसेना के कोटे में जो आंकड़े आए हैं उसमें हमको जो सपोर्ट करने वाले हमारे सरकार के जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट है, छोटी छोटी पार्टी है, जैसे बच्चू कड़ू का नाम आपने देखा होगा, येड्रावकर इंडिपेंडेंट है, शंकर गढ़ाक इंडिपेंडेंट, ऐसे लोगों को भी हमको शामिल करना पड़ता है। तो हमारे लोगों को इच्छा होती है मंत्री बनने की, तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारा है, ये बड़ी बात हमारे लिए। सर तो एक दो नाम जो काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे, एक आपके भाई है सुनील राउत, ऐसा सुनील राउत जी का ऐसा नाम आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे, तानाजी सावंत भी है जो मातोश्री पहुंच गए नाराजगी। तानाजी सावंत तो पहले मंत्री थे, उनकी बात मुझे मालूम नहीं, उनसे मेरी बात चल रही है। अगर मेरी फैमिली की कोई बात होती है तो हमारे फैमिली में इस प्रकार का कोई परंपरा नहीं है सरकार में शामिल होने की। मैं इतने साल से सांसद हूँ राजनीति में, मैं कभी मंत्री पद का ख्वाब देखा नहीं। हम संगठन में काम करने वाली हमारी फैमिली है, सुनील राउत भी संगठन का कार्यकर्ता है, एमएलए है बहुत सालों से, लेकिन उनकी कोई ऐसी इच्छा हमें कभी दिखी नहीं। बात ऐसी कि हम सरकार बनाने में हमारा योगदान रहा है, हमारा फैमिली का, हम सबका, अगर हम चाहे तो बन सकते थे लेकिन हम नहीं बनेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं आज भी हमारे पार्टी में हमारे जैसे जो सबसे ज़्यादा संगठन को महत्व देते हैं, और मैं उनमें से हूँ कि संगठन सबसे ऊपर है। एक्सपांशन को लेकर सर ऑपोजिशन का कहना है, और साथ ही कल रामदास आठवले ने भी कहा कि ज़्यादा लंबी ये सरकार नहीं चलेगी, इसको आप कैसे देखते हो और क्या जवाब देंगे इनको? ये सरकार पूरी 5 साल तक चलेगी। अब रामदास आठवले जी या और कोई नेता क्या बोल रहे उसके ऊपर ध्यान देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, सरकार काम करेगी और 5 साल दौड़ेगी। सर आखिरी सवाल, आज के जो मुखपत्र सामना में जो संपादकीय लिखा हुआ है कि जिस तरीके से हालात बदले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली बीजेपी को, ये बात तो सही है,
पॉलिटिकल मदद मिली है, लेकिन देश की हालात नहीं सुधरी है। अब देखो आज भी कश्मीर में जवानों की शहादत कम नहीं हुई है, चल रही है। पाकिस्तान कुरापते कर रही है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी, हालात वही है, इतना मैं कहूँगा।